नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आई टी टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों मेरे पास एक म्यूजिक सिस्टम आया हुआ है, फिलिप्स का है, और इसमें एक शिकायत कस्टमर का है कि इसके बेस की आईसी बार बार उड़ जा रही है, तो दोस्तों कारण क्या है कि बेस की आईसी बार बार उड़ जा रही है, और जब ये नया था, ब्रांडेड था, जब न्यू आया था तो बढ़िया चल रहा था, कई सालों तक बढ़िया चला, बाद में इसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। तो एक कई छोटे छोटे वजह बनते हैं। सबसे बड़ा वजह तो ये है कि आप आईसी जो डाल रहे हैं, अभी आईसी इसमें डली हुई थी और ये लोकल आईसी है, देख रहे हैं लोकल आईसी है, वो भी 20-30 है, चूँकि बेस पावर ज़्यादा लेता है इसमें, इसमें 20-50 चाहिए, 20-30 नहीं, 20-50 चाहिए, और वो भी ओरिजिनल। तो पहली बात तो ये हम आईसी मंगाए हैं 20-50 ओरिजिनल में, और इसमें पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी और क्या होना चाहिए इसमें, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ फिल्टर और ब्रिज लगा हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से होकर आ रहा है इस पे, मेन आईसी पे, हमारा बेस वाली आईसी पे आ रहा है। तो इसका फिल्टर और क्या कहते हैं डायोड को भी एक बार चेक कर लें कि लीकेज ना हो या फिल्ट्रेशन कमज़ोर नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे अभी हम बता रहे हैं, बने रहिए। तो दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा है, अब इसमें मैं बहुत ही निंजा टेक्निक आपको बताने वाला हूँ इसका डायोड और कैपेसिटर चेक करने का कि सही है कि नहीं सही है। इसका मेन लीड हम इंसर्ट कर दे रहे हैं और सप्लाई आपको चेक करके दिखाएंगे क्या सप्लाई आ रहा है क्या नहीं। डिस्प्ले आपको दिखना चाहिए, एक सेकेंड, चलिए यहाँ पर दिखेगा आपको, तो चेक करके आपको दिखा रहे हैं। पैंतीस वोल्ट इसका आधा यहाँ आपको मिलना चाहिए, 16.5। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 35 वोल्ट, यहाँ पे इसका मेन का आधा मिलना चाहिए, 16.4 मिल रहा है। अब वोल्टेज मिल गया, आप क्लियर कैसे करेंगे बगैर निकाले, बगैर उसको चेक किए कि आपका फिल्टर सही है कि नहीं सही है या इसका कैपेसिटर सही है नहीं सही है। आप इसके लिए आप यहाँ लगा लिए और यहाँ 35 वोल्ट, एक मिनट अस्थाई हो जाए, 35 वोल्ट हमारा आ रहा है। अब मेन लीड को आप बाहर निकालिए, हमने बाहर निकालिए, मेन लीड को बाहर निकालिए, आप इसकी स्टेबिलिटी देखिए कि तेज़ी से नीचे जा रहा है या धीरे धीरे स्टेप में जा रहा है, देखिए एकदम बहुत आराम से, अभी 33 वोल्ट है, खाली पॉइंट डाउन हुआ हवा के माध्यम से या मल्टीमीटर के माध्यम से जो डाउन हुआ अभी देखिए बना हुआ है। अगर ऐसा कंडीशन आपको दिख रहा है तो ब्रिज और कैपेसिटर दोनों सही है, कारण कि अगर जो ब्रिज में लीकेज होता तो तुरंत सडनली डाउन करता, और कैपेसिटर में अगर जो मतलब वीकनेस होता तो तेज़ी से गिरता, अभी देखिए 32.9 अभी भी है, तेज़ी से गिरता। तो दो रीजन तो अभी आपको बता दिए कि 20-30 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 20-50 होता उसको लगाएं, दूसरा रीज़न फिल्टर और कैपेसिटर अगर सही है। अब यहाँ उसको डिस्चार्ज करके दिखाएंगे, देखिए स्पार्क ले रहा है, इसको भी कर लीजिए, डिस्चार्ज करके ही लगाइए, नहीं तो फिर आईसी ख़राब हो जाएगा आपका, लगाते लगाते शॉर्ट मार देगा इधर उधर, तो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। और तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा आपका कि बेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो सकता है बेस स्पीकर हाफ शॉर्टिंग हो जाए, तो कभी कभी चलते चलते जो है शॉर्टिंग उसमें आ जाएगा तो ज़्यादा वाटेज खाएगा और इसको बैठा देगा। तो स्पीकर चेक करना अभी हम इसको कंप्लीट करके बताएंगे,
इसको आपको कंप्लीट करने के लिए अब देखिए इस पर सेपरेटर लगा हुआ है, सेपरेटर तो, और इसके साथ जो है हीट सिंक कंपाउंड भी लगा हुआ है, तो बहुत भारी मात्रा में कोई लगा दिया है। अभी जल्द ही कहीं और गया था बनने के लिए ये सिस्टम, तो हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, इसी से अपना हम काम चला लेंगे। तो इसको हम सेट कर रहे हैं, आईसी डाल के सोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक कराएंगे और आगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, और दोस्तों इस तरह की वीडियो लेकर हम आते रहते हैं रिपेयरिंग की। अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहली बार अगर आए हैं तो, और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए दोस्तों सेपरेटर को भी आपको सावधानी से लगाना है, क्योंकि इसके बॉडी के साथ इसका जो है आईसी का हीट सिंक जो है ये हीट सिंक टच नहीं होना चाहिए, टच हो जाएगा तो फिर खराब शॉर्ट कर देगा, खराब होकर हो जाएगा। तो इसको सावधानीपूर्वक लगाते हैं, उसके बाद आगे कैसे कैसे आपको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है आप विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों आईसी हम लगा चुके हैं, वोल्टेज दोबारा एक बार आपको हम चेक करा दें। यहाँ मेन सप्लाई 30 वोल्ट लोड पड़ने बाद 30 वोल्ट हो रही है, और यहाँ आउटपुट पे जो व्यवस्था है 15, यानी मेन बोर्ड का आधा आउटपुट पे होता है, यहाँ पे भी 15, और यही व्यवस्था सब में मिलना चाहिए, सब पे उतना ही मिलना चाहिए, 15 15, ये भी है थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है इसमें, हो सकता है मेन बढ़ा हो, 15 देखिए 15। तो ये वोल्टेज तो भी परफेक्ट बता रहा है, मैं कोई समस्या नहीं। अब इसको लगा के दिखाएंगे, और आपको बेस के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कुछ, उसको भी ज़रा ध्यान से देखिए काम का चीज़ वो भी है, बने रहिए। तो दोस्तों ये हमारे बेस का लीड है, और इस मल्टीमीटर को हम देखिए बजर मोड में लगा रखे हैं, और यहाँ से हम अगर हम बजर मोड में डालते हैं तो अभी इसको मूल में आने दीजिए, लगभग 8 से 10 ओम का बेस होता है, 10 ओम दे रहा है, 10.5, तो रेजिस्टेंस दोस्तों ठीक दे रहा है, पर एक अपवाद भी इसमें होता है कि अगर जो स्पार्किंग ऑन पोजीशन में अगर वो कॉइल में स्पार्किंग हो रहा है तब समस्या बनता है। तो फिलहाल अभी तो ओके है, इसको जो है इंस्टॉल करके आपको इसका आवाज़ सुनाते हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों इसका आउटपुट हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तो फिलहाल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कराए हैं, तो प्ले कीजिए और बेस भी चल, देखिए बेस का आवाज़ आपको आ रहा है, और यहाँ खेलने का असली मज़ा तो असली लोग एक स्पीकर में आवाज थोड़ी कम है, खैर कोई बात नहीं, ज्यादा छेड़छाड़ देखिए बहुत शानदार आवाज़ इसका है, और 99% उम्मीद है कि इसका बेस अब नहीं जो है बेस आईसी उड़ेगा नहीं, अब चलेगा। तो दोस्तों अगर हमारा जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगले वीडियो लिए आपसे बोलते हैं जय हिंद जय भारत, टाटा बाय बाय।